नमस्कार, मिडकैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। निफ्टी 9800 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज उस लेवल को उसने ब्रीज जरूर किया और शुरुआती तेजी, ऐसा लग रहा था कि आज बाजार और नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ और फिलहाल 1/14% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही कारोबार होते हुए महज 8 अंकों की मजबूती है, लेकिन मिडकैप में अच्छी खरीदारी, एक बार वहां भी नजर डाल लेते हैं। मिडकैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में भी ऑलमोस्ट 60 अंकों की मजबूती है। लेकिन मिडकैप के वो शेयर्स जहां पर आज अच्छा बाइंग मोमेंटम है, उसमें बायोकॉन शामिल है, अदानी एंटरप्राइजेस, एचपीसीएल, आईडीएफसी बैंक, यहां पर 2-4% की तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आज फार्मा में चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग है और साथ ही कह सकते हैं कि आज ऑयल एंड गैस बाजार को ऊपर की तरफ खींचा। लेकिन गिरने वालों की बात करें तो जीएमआर इंफ्रा यहां पर 2.5% तक की कमजोरी है, साथ ही टोरेंट फार्मा, अजंता फार्मा, जिलेट जैसे काउंटर्स है जहां पर 1-2% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। तेल गैस शेयर में आज ओएनजीसी, एचपीसीएल मर्जर को लेकर कैबिनेट के एजेंडा में भी यह शामिल है, यहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। साथ ही महानगर गैस, ऑयल इंडिया, ज्यादातर ओएमसी जो है वो अच्छी बाइंग दिखा रहे हैं। इसके अलावा ऑटो एंसरी स्पेस से भी अच्छी बाइंग और साथ ही हाल की लिस्टिंग जो भी हुई है बिल्कॉन, शीला फोम, सीडीएसएल, यहां पर भी 4-8% तक की तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो एंसरी की बात करें तो ऑटो स्टैंपिंग्स ऑलमोस्ट 11% की बढ़त दिखा रहा है, वहीं वीटो स्विच 9% ऊपर है, रिको ऑटो, भारत गैस जैसे तमाम शेयर्स हैं जहां पर अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पूजा, कल भी हमने देखा था जो गियर स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी बाइंग थी, शांति गैस, भारत गैस, कल भी यहां पर बाइंग मोमेंटम दिखा जी था। और ऑटो एंसरी स्टॉक्स पिछले काफी समय से चल रहे हैं, अच्छा मोमेंटम यहां पर देखने को मिल रहा है और जितने भी तमाम ऑटो एंसरी शेयर्स हैं, देखिए आज भी अच्छी तेजी इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और शेयर्स पे भी अगर नजर डालें तो आज होजरी शेयर्स भी चल रहे हैं, वहां पर भी अच्छी बाइंग है और हाल ही के जो लिस्टिंग हुई है वहां पर भी अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। चलिए आज सचिता नंद जी जुड़े हैं हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए, और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर पर सवाल पूछ सकते हैं, 0120-425-8327, ये हमारा टोल फ्री नंबर है जहां पर आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ चेन्नई से एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, रंजीत। रंजीत ने मैं फोन किया है जी, नमस्कार, पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास 2 शेयर है एक्चुअली, अवंती फिल्स मैंने लिया था 1390 के लेवल पे, 50 शेयर है मेरे पास। ओके, एंड जस्ट मुझे अभी पोजीशन चाहिए कि इस लेवल पे निकलना चाहिए या आई शुड कंटिन्यू टू होल्ड इट, एंड सेकंड इज दिस बॉम्बे डाइंग, आई परचेस इज अराउंड 90, आई वांट अराउंड 100 शेयर्स। 100 शेयर्स लिए थे आपने एट द रेट ऑफ 90 के भाव पर लिया आपने? 90 भी, हाँ। ओके, बता ओके, यहाँ पर हल्का जी माइनर लॉस हो रहा है आपको, बता सकते हैं दोनों ही स्टॉक में आप कब तक होल्ड कर सकते हैं? यहाँ अवंती फीस में तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। लॉन्ग टर्म आई कैन होल्ड। ओके, बॉम्बे डाइंग में भी? बॉम्बे डाइंग। ओके, सचिदानंद जी हाय, गुड आफ्टरनून। जो कॉलर हमारे साथ जुड़े, इनके पास 2 शेयर हैं, अवंती फीड्स का एक तो इनके पास शेयर है और बॉम्बे डाइंग, अवंती फीड्स में इनको अच्छा गेन हो रहा है, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, और बॉम्बे डाइंग यहाँ पर इनको हल्का नुकसान हो रहा है, 90 की इनकी खरीद थी। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, क्या राय देंगे आप? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी एंट्री लेवल काफ़ी अच्छी है अवंती फीड्स जैसे काउंटर में, और पिछले कुछ महीनों की बात करें तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा जा चुका था, उसी का फॉलोअप एक्शन यहाँ पर हम देख रहे हैं। बट अगर हम वीकली या मंथली स्केल देखें तो काफ़ी हद तक अभी एक ओवरबॉट काइंड ऑफ अ स्टेट यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। बट अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर वेरी मच यहाँ पर इंटैक्ट है, तो यहाँ पर यू नो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी, एंड स्टॉप लॉस उनको ट्रेल कर लेना चाहिए बैलेंस पोजीशन के लिए अराउंड 1360 के साथ। अभी भी ऐसे कोई नेगेटिव साइंस नहीं है, बट जस्ट टू बी यू नो एंश्योर कॉशियसनेस सिंस ओवरबॉट काइंड ऑफ अ स्टेट फर्स्ट टाइम यहाँ पर एग्जिबिट हो रहा है स्टॉक पे, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एंड बैलेंस पोजिशंस को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथोडोलॉजी से होल्ड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड ऑन करने की सलाह है। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, विक्रम जीत। विक्रम, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा शेयर लिया है आपने? मैडम मेरे पास कैपिटल फर्स्ट है, 725 के रेट पे है, 100 शेयर है मेरे पास, और ये मैंने मतलब 1-1.5 साल होल्ड करके रखने के लिए लिया हुआ है। ठीक है, और आपने ऑलरेडी इसको 1 साल से ऊपर होल्ड कर रहे हैं, कितना टाइम और दे पाएंगे? 702 का भाव आज दिख रहा है। मेरे को अभी इसको लिए हुए 15-20 दिन ही हुए हैं, बट मैंने कुछ इसका मूवमेंट और ये सब वॉच करते हुए इसको होल्ड करने के लिए लिया हुआ है, इसके बारे में जानकारी चाहिए।
ऑल राइट, इनफैक्ट यहाँ पर वॉल्यूम काफी कम है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि अब इसमें आगे मोमेंटम कैसा रहेगा। सचिदानंद जी देखिए, कैपिटल फर्स्ट 702 के लेवल्स पर आज ट्रेड कर रहा है, दिन के निचले स्तरों पर है और काफी लिक्विडिटी इश्यूज इसमें रहते हैं, बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखता है, तो अगले एक साल क्या इसे होल्ड करना ठीक रहेगा? जी बिल्कुल, आपने काफ़ी एक अहम मुद्दे पे बात की है। वॉल्यूम्स यू नो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सो फार एज मोमेंटम इज कंसर्न। एंड अगर हम पिछला कुछ मूवमेंट देखें स्टॉक का, तो जिस तरीके से 800 से ये स्टॉक रिवर्स हुआ था, वो काफ़ी फास्ट रिवर्स हुआ था, राइट अप टू 640, और 640 के बाद एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी यहाँ पर जरूर देखी गई है। बट ओवरऑल उसके बाद यू नो एक हायर टॉप हायर बॉटम या पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ है। सो यहाँ पर अगर इनकी इनको अगर होल्ड करना है स्टॉक को, तो आई थिंक 620 का स्टॉप लॉस तो जरूर लगाना चाहिए इनको स्टॉक पे। एंड सो फार एज द ओवरऑल ट्रेंड इज कंसर्न, आई थिंक स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में जा रहा है, एंड मोमेंटम आई थिंक 760 765 के ऊपर अगर वापस ब्रेकआउट आता है तो ही देखा जा सकता है। तो अगर इफ द कस्टमर इज रेडी टू होल्ड दिस काउंटर, तो 620 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए। तो अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं तो 620 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करिए स्टॉक को। अगले कॉल हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हैं, रमेश जी ने हमें कॉल किया है। गुड आफ्टरनून रमेश, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी मैडम, हमने रिलायंस इंफ्रा के 2 महीने पहले 10 शेयर लिए हैं 610 रुपए के भाव पे। अब हम क्या करें, इसे सेल करें या बेचें? ये किस भाव पर लिया था आपने? 610 रुपए पे। 610 के भाव पर लिया है, ठीक है। और कब तक बने रह सकते हैं, आप कुछ अंदाजा दे पाएंगे? ये 3 महीने और बने हैं। 3 महीने का व्यू है आपका जी। उतेकर जी, इनके पास रिलायंस इंफ्रा के शेयर्स हैं, 610 की इनकी खरीद थी और नुकसान हो रहा है इनको, 3 महीने और होल्ड कर सकते हैं? 3 महीने के लिए चार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए मंथली स्केल देखे तो काफ़ी समय से एक ट्रेडिंग रेंज यहाँ पर नज़र आ रही है, अराउंड 400 के आसपास एक सपोर्ट है स्टॉक के लिए, एंड 600 एक काफ़ी यू नो स्ट्रॉन्ग या स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल इसी पर्टिकुलर यू नो रेंज में ऑस्किलेशन हो सकता है। बट जहाँ तक इमीडिएट ट्रेंड की बात करें, तो ऐसे कोई यू नो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। इनफैक्ट ऐसे टाइम पे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। एक अच्छा बाउंस बैक ऑलरेडी मिल चुका है 440 लेवल से 500 के आसपास, तो आई थिंक यहाँ पर स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए, एंड नीचे के स्तर क्लोज टू 400 उसके आसपास एक बार एंट्री की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल एग्जिट कर लीजिए और दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो आप शो को भी लगातार देख सकते हैं ताकि एक्सपर्ट से आप दोबारा राय ले पाएं दोबारा बाय करने से पहले। फोन लाइन पर अतुल हैं अपने सवाल पूछने के लिए। गुड आफ्टरनून अतुल, बताइए कौन सा शेयर लिया है? हेलो जी अतुल, बताइए। मैंने अशोक लेलैंड का सर लिया था 95 के लेवल्स पे, अभी तो 10 रुपए का फायदा हो रहा है, कितना समय दे सकते हैं इसे? 6 महीने तक। ठीक है, इनफैक्ट इनकी खरीद है सचिदानंद जी 95 वॉट लेवल्स की, और फिलहाल देखें तो इनको 10 रुपए प्रति शेयर का फायदा हो रहा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है। क्या सजेस्ट करेंगे अब अगले 6 मंथ्स के लिए? सी डेफिनेटली ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, वी हैव ऑल्सो रिकमेंडेड दिस पर्टिकुलर स्टॉक टू आवर क्लाइंट्स, एंड एग्जैक्टली उन्होंने एक ब्रेकआउट लेवल पे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ली है, अराउंड 96-97 के आसपास एक ब्रेकआउट लेवल था, कप एंड हैंडल ब्रेकआउट वीकली स्केल पे यहाँ पर यू नो 115-120 तक के टारगेट एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इमीडिएट ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म सेक्युलर अप ट्रेंड में स्टॉक है, तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर डिक्लाइन मिल जाता है अगले कुछ हफ्तों में अराउंड 100 लेवल्स के आसपास, तो मेरी खरीद यू नो ऐड करने की सलाह होगी, कीपिंग स्टॉप लॉस समय क्लोज टू 93। तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए स्टॉक, 120-122 एक इमीडिएट टारगेट यहाँ पर नजर आ रहा है। मुंबई से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, नरेंद्र ने हमें कॉल किया है। नरेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी मैडम, मेरे पास IDFC बैंक और IDFC का शेयर है। अच्छा, आपने दोनों ही ट्विन स्टॉक्स लेके रखे हैं, IDFC बैंक और IDFC दोनों ही दिया है? दोनों का रेट 65 है। ओके, ये कब लिया था आपने? क्या बोल रहे हो? ये कब लिया था आपने ये दोनों ही शेयर्स? वो पहला मेरे पास था ना जो IDFC कंबाइन था, बाद में इसको स्प्लिट हुआ है, IDFC वो पहले का है, मतलब 2 साल हो गया। ओके, चलिए IDFC बैंक में तो आपको नुकसान हो रहा है और IDFC भी आपने 65 के भाव पर लिया है। जान लेते हैं इन्होंने IDFC और IDFC बैंक दोनों के ही शेयर
तो इनको हल्का मुनाफा हो रहा है, IDFC बैंक में इनको हल्का नुकसान हो रहा है, क्या राय देंगे इन दोनों शेयरों में? अभी मर्जर की भी खबरें आ रही हैं, तो किस तरह के चार्ज दिखाई दे रहे हैं आपको आगे के लिए? देखिए दोनों चार्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों में एक स्टेबिलिटी का माहौल नज़र आ रहा है। स्पेशली IDFC लिमिटेड की बात करें तो एक टाइम साइकिल एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसके हिसाब से स्टॉक में यहाँ से अभी मूवमेंट चालू होनी चाहिए, तो वीकली बेसिस पे एक एग्जैक्टली एक रिवर्सल काइंड ऑफ स्टेट यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो एटलीस्ट 6 से 7 महीने तक का ये पर्टिकुलर पीरियड हो सकता है। तो यहाँ से डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए काउंटर, IDFC लिमिटेड एज वेल एज IDFC बैंक, दोनों में आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होल्ड ऑन करने की सलाह है दोनों ही शेयर्स में। मुस्तफा हैं हमारे साथ राजस्थान से। मुस्तफा जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैडम, मेरे पास इंडिया बिल्कुल के 100 शेयर है, 165 पे है। अच्छा, और इंडिया सीमेंट है 130 पे, क्या करना चाहिए? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। इंडिया ग्लाइकोल के शेयर है, इंडिया सीमेंट्स के शेयर, दोनों शेयर इनके पास, और इंडिया ग्लाइकोल 165 की इनकी खरीद है, और यहाँ पर आज देखें तो 200 रुपए के आसपास का लेवल दिख रहा है, यानी अच्छा फायदा इनको हो रहा है। साथ ही इंडिया सीमेंट वहां पर भी 130 के आसपास की खरीद है, 100 शेयर्स दोनों उसके भी ले रखे हैं इन्होंने। सचिदानंद जी क्या सजेस्ट करेंगे आप? प्रॉफिट्स पे बैठे हैं, अभी होल्ड ऑन करना चाहिए, थोड़ा और अपसाइड दिख रही है आपको? देखिए इंडिया ग्लाइकोल्स की बात करें तो 215-210 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए, तो वहां पर जाके एक थोड़ा सा कूल ऑफ पीरियड आ सकता है स्टॉक में। तो अभी और एक एक लेग प्रेजेंट कर रहा है स्टॉक, तो आई थिंक यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। 210 के आसपास उनको थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि किस तरीके से स्टॉक वहां पर बिहेव कर रहा है, बट एज ऑफ नो इंडिया ग्लाइकोल्स को उनको होल्ड करना चाहिए। और अगर हम ट्रेंड की बात करें तो काफ़ी स्टेडी ट्रेंड है यहाँ पर, 178 के नीचे जब तक स्टॉक नहीं जाता तब तक आई थिंक ऑन द वीकली स्केल एज वेल एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर इंटैक्ट है, तो 178 का स्टॉप लॉस उनको ज़रूर मेंटेन करना चाहिए, बट स्टॉक को ज़रूर रिव्यू कीजिए अराउंड 200-210 जैसे ही लेवल जाते हैं उसके आसपास एक बार वापस आप व्यू ले लीजिए। तो इंडिया ग्लाइकोल में 180 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय। अगले कॉलर हमारे साथ भुवनेश्वर से जुड़े हैं, टुलू साहू ने हमें फोन किया। जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम नमस्कार जी, मेरे पास वाइसरॉय होटल 23.4 में है। ओके, और कब तक बने रह सकते हैं आप? 500 शेयर, उसको मैं अप्रैल महीने से रखा हूँ और 4-6 महीने भी रख सकता हूँ। 500 शेयर है वाइसरॉय का। जी सिंटेक्स 100 शेयर 111 111। सिंटेक्स के एक बार भाव बताएंगे आप, किस भाव पर लिया आपने? 111 के भाव पर लिया है। हाँ, अभी वो सिंटेक्स का क्या है, वो जो चेंज हुआ है उसको कुछ तो मालूम नहीं है मेरे पास। जी जी, सिंटेक्स में एक्चुअली कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि कुछ डीमर्जर हुआ है उनके कारोबार का, इस वजह से 111 के भाव पर इन्होंने लिया था। उतेकर जी, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, इस पर क्या राय देंगे आप? और दूसरा जो सवाल है इनका वाइसरॉय होटल पर है, इन्होंने 500 शेयर्स लिए थे, 23.4 की इनकी खरीद है, यहाँ पर इनको हल्का नुकसान हो रहा है, इन दोनों ही शेयरों पर क्या आउटलुक देंगे? देखिए वाइसरॉय होटल्स एक काफ़ी थिनली ट्रेडेड काउंटर है, और अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी समय से ये स्टॉक दबाव में है। इनफैक्ट इतने तेज़ी के माहौल में जहां पर ऑलरेडी कुछ अच्छे होटल स्टॉक्स में एक पॉजिटिव साइंस है, अभी तक इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई भी प्राइस पैटर्न्स या प्राइस डेवलपमेंट पॉजिटिव साइड पर अभी तक उभरे नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पर स्टॉक जितने जल्दी हो सके एग्जिट कर लेना चाहिए, यहाँ पर अभी भी रिवाइवल के साइन जैसे नज़र नहीं आ रहे हैं। एंड द सेकेंड स्टॉक वॉज सिंटेक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस सर, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पे सवाल था इनका। देखिए सिंटेक्स में फिलहाल एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ अ फेज ही है, आई थिंक स्टॉक काफ़ी हद तक अभी स्टेबल हो रहा है। पोस्ट डीमर्जर आई थिंक 29 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी जैसा पैटर्न दिख रहा है, अराउंड 20 के आसपास इनको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए एंड होल्ड करना चाहिए काउंटर। ठीक है, तो अभी आपको होल्ड ऑन करना होगा सिंटेक्स के अंदर।
लेकिन एक बार श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस इस पर बात कर लेते हैं। कंपनी के जो एनसीडीज 17 जुलाई से खुलने वाले हैं और कंपनी का मैनेजमेंट भी हमारे साथ फोन लाइन पर है, मिस्टर देवेंद्र कुमार व्यास, सीईओ श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, एक तरह से देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो रुझान है एनसीडीज को लेकर काफी बढ़ रहा है। कंपनी जो एनसीडी लेकर आ रही है, कितनी रकम जुटाने की योजना है? सो हम लोगों का ये इश्यू जो है 1000 करोड़ का है, 500 करोड़ का बेस इश्यू है और 500 करोड़ का नेक्स्ट रखेंगे ओवर सब्सक्राइब होने का। सो इट्स बेसिकली 1000 करोड़ का इश्यू है जो कि अनसिक्योर्ड सबॉर्डिनेटेड बॉन्ड्स का है एनसीडी। ओके, और सर ये जो रकम जुटाएंगे आप बता सकते हैं इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे और आगे चल के कंपनी की जो लोन ग्रोथ है या एयूम ग्रोथ है वो किस तरह की दिखाई दे रही है? सो हम लोगों ने ये देखा कि इक्विपमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट की सेल है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले एक साल से ग्रोथ कंटिन्यू है और ये फर्स्ट क्वार्टर में भी इक्विपमेंट सेल की ग्रोथ रीजनेबली अच्छी है, अप्रॉक्सीमेटली 20-25% इक्विपमेंट सेल की ग्रोथ हुई है। सो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इक्विपमेंट सेल की ग्रोथ इस साल में रहेगी अच्छी खासी। सो ये जो रकम हम एनसीडी इशू कर रहे हैं 1000 करोड़ का, 500+500 का, ये हम लोग यूज करेंगे टू फंड आवर ग्रोथ एंड ऑल्सो यू नो फॉर अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। इनफैक्ट जो अदर पर्पसेज हैं, क्या उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी अपने कर्ज को कम करने में भी लगा सकती है? हाँ, सो कुछ हिस्सा हो सकता है जहाँ पे कि लोन को रीपेमेंट कर्ज को रिप्लेस करने में लग सके, कॉस्ट ऑफ फंड की जो बेनिफिट हमें मिल सकती है उस पर भी सोच सकते हैं। सो बेसिकली मोस्टली जो है ये ग्रोथ के लिए यूज होगा, ग्रोथ फंडिंग के लिए यूज होगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट सर, आपने समय निकाला और एनसीडीज के बारे में बताया। तो कंपनी का जो प्लान है 500 करोड़ रुपए बेसिक इशू है और अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा हुआ तो 500 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन भी इस एनसीडी के अंदर है। 17 जुलाई से ये खुल रहा है और 31 जुलाई तक खुला रहेगा। लेकिन इस बीच जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि बीएमएल में हिस्सा बिक्री हो सकती है, करीब 1500 करोड़ में हिस्सेदारी बिक सकती है। असीम मनचंदा मेरे सहयोगी मौजूद है ज्यादा जानकारी लेकर। असीम बताइए क्या अपडेट है? अलवी देखिए, जो नीति आयोग है उसने 21 पीएसयूज की डिसइन्वेस्टमेंट को जो है हरी झंडी जो है वो दी थी और उसमें एक बीएमईएल उसका भी नाम था और पिछले जनवरी में इसके जो 26% हिस्सेदारी बेचने को जो है मंजूरी दे दी गई थी। उसके बाद वैल्यूएशन जो है अपॉइंट करने के लिए वैल्यूअर को जो है अपॉइंट किया गया था, वैल्यूअर ने अपॉइंटमेंट करके वैल्यूएशन करके अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है और सरकार अगले हफ्ते से इसकी वैल्यूएशन इसकी जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसकी शुरुआत जो है वो कर सकती है। तो करीबन 1500 करोड़ रुपए के आसपास में इसकी हिस्सेदारी जो है वो बिक सकती है। सारी प्रोसेस कंप्लीट फॉर्मेलिटीज जो है वो हो चुकी है, अब सरकार को फाइनल डिसीजन जो है अगले हफ्ते लेना है कि इसको किसको ऑफिस के जरिए बेचा जाएगा या फिर इसको जो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जो है वो ऐसे बेचा जाएगा। तो अगले हफ्ते इसके ऊपर फैसला जो है हो सकता है। ठीक है, तो यानी अगले एक हफ्ते में इस पर फैसला हो सकता है। तो एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से जरूर पता चला है कि हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू होगी, इनिशिएट ये जरूर हो गई है। और आपको याद दिला दें कि कैबिनेट ने जनवरी में ही हरी झंडी दे दी थी विनिवेश को लेकर। शुक्रिया असीम तमाम अपडेट देने के लिए। इनफैक्ट बीएमएल आज के सेशन में 0.5% नीचे है, 1545 का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। सचिदानंद, कोई सजेशन आपका, बीएमएल इस खबर को भी कैसे देखते हैं आप और साथ ही चार्ट पर कैसा लगता है? आज तो दिन के निचले स्तरों पर है, थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए तो काफ़ी पॉजिटिव है, बट 1615.85 ये जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो जाता है तो आई थिंक 1900-1950 तक की ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो ओवरऑल अगर इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड देखा जा सकता है काउंटर में, बट जैसे ही ब्रेकआउट 1600 के ऊपर हो जाता है तो एक फ्रेश मोमेंटम यहाँ पर स्टॉक में बन सकता है। और पिछले एक साल का चार्ट देखिए पली, बीएमएल का काफी अट्रैक्टिव है, 76% तक का रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल चुका है, लेकिन आज हल्की कमजोरी के साथ ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। फेसबुक से भी हमारे साथ काफी सारे दर्शक जुड़ रहे हैं। कुमार आहूजा ने हमें मैसेज किया है और इनका सवाल है अजंता फार्मा पे। अजंता फार्मा के इन्होंने 20 शेयर लिए हैं, 1550 की इनकी खरीद है और हल्का नुकसान यहां पर इनको हो रहा है। इनफैक्ट अजंता फार्मा आज 2% नीचे कारोबार कर रहा है। और एक और मैसेज ले लेते हैं, हरीश जी ने हमें मैसेज किया है और इनका सवाल जायकॉम पे है। जायकॉम के इन्होंने 5000 शेयर लिए हैं, 36 की इनकी खरीद है। सचिदानंद जी, अजंता फार्मा और जायकॉम क्या राय देंगे आप इन दोनों ही शेयरों पर? देखिए अगर अजंता फार्मा की बात करें तो यू नो काफी दबाव में है काउंटर, बट 1400 के आसपास एक डिसेंट सा सपोर्ट नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा ड्रैग यहाँ से और देखा जा सकता है काउंटर में। बट ओवरऑल यू नो जिस तरीके से
नो ओवरऑल मेजर ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रही है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी हो सकती है अराउंड 1400-1410 के आसपास। तो अगर स्टॉक वहाँ पर आ जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पर एक अक्यूमुलेट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, जहाँ पर और फ्रेश पोजीशंस ऐड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं अराउंड 1380 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो यहाँ वहाँ पर यू नो जैसे ही एक स्टेबिलिटी आ जाती है स्टॉक में वापस एक बार बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा ड्रैग देखा जा सकता है एंड इस ड्रैग में अक्यूमुलेट करना चाहिए काउंटर को। ठीक है, तो अभी आपको होल्ड ऑन करना है, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है लेकिन आगे यहाँ पर तेजी आती हुई दिख सकती है। हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव आप विनय है मुंबई से। विनय गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा स्टॉक है? मेरा MIC इलेक्ट्रॉनिक्स का 1000 शेयर है 12 के ऊपर, तो चलिए मुझे होल्ड करना है क्या अभी? भाव बताएंगे किस भाव पे लिया है आपने? 1200 रुपए। ठीक है, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स 1000 शेयर्स ले रखे हैं, इनफैक्ट 12 रुपए की इन्होंने खरीद बताई है। इनफैक्ट सचिनंदन जी क्या सजेस्ट करेंगे आप इस तरह के स्टॉक्स? यहाँ पर सस्ता होने के चलते काफी इन्वेस्टर्स लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद नुकसान उठाना पड़ता है। 12 रुपए में खरीदा था, 9 रुपए से भी नीचे है, वॉल्यूम्स भी यहाँ पर कोई खास नजर नहीं आ रही, क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी बिल्कुल, ऐसे पर्टिकुलर काउंटर से थोड़ा दूर रहना चाहिए, स्पेशली अगर एक इमीडिएट मोमेंटम नहीं है स्टॉक में, तो डेफिनेटली स्टॉक वहाँ से अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, बट समर 8 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ से स्टेबल होना चाहिए स्टॉक को, तो एक बार बाउंस बैक आ सकता है अराउंड 12 एंड हाफ तक का, बट उस बाउंस बैक पे डेफिनेटली इस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ये राय आती हुई मक इलेक्ट्रॉनिक्स पर। लुधियाना से हमें संदीप जी ने कॉल किया है। संदीप जी गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है आपका? 2660 के रेट पे कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम मैकडोवल यूनाइटेड स्पिरिट्स। ठीक है, मैंने आज इंट्राडे 2660 के प्राइस पे 500 शेयर लिए हैं। आपने इंट्राडे के ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, चलिए मुनाफा तो हो रहा है आपको, हल्का गेन हो रहा है यहाँ पर। क्या टारगेट लगाऊं मैम या क्या एसएल रखूं? जी सचिन जी इनका सवाल यूनाइटेड स्पिरिट्स पे है, इंट्राडे के लिहाज से इन्होंने लिया था, 500 शेयर्स लिए थे, 2660 की इनकी खरीद है, टारगेट क्या सुझाएंगे आप? देखिए ये पर्टिकुलर काउंटर काफी स्ट्रांग अप ट्रेंड में है, इनफैक्ट जिस तरीके से 2400-2450 के आसपास एक डबल बॉटम ब्रेकआउट देखा गया था, तो लॉन्ग टर्म तो इसमें काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट अगर इंट्राडे से अगर आप बाहर आओगे और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पोजीशन रखोगे, इनफैक्ट अगर 2-3 महीने का भी अगर हम राय लेंगे तो 3000-3100 तक की यहाँ पर तेजी है। तो अगर इमिडिएटली अगर आप इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पर 2650 के आसपास काफ़ी स्टेबिलिटी देखी गई थी स्टॉक में, तो आई थिंक वहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए सो फार एज इंट्राडे पोजीशन इज कंसर्न, बट ओवरऑल स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी है, 3100 तक की एक अप मूव मिल सकती है कुछ ही महीनों में। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए अगर लिया है तो स्टॉप लॉस लगाइए और अदरवाइज थोड़ा सा समय और रख सकते हैं, 3100 का लेवल भी दिख सकता है। फेसबुक के जरिए भी कुछ दर्शक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। राज कपूर जी का सवाल है गोवा कार्बन को लेकर, 800 क्वांटिटी इनके पास 260 के लेवल्स पे ली हुई है, फायदे में लगभग 350 के आसपास का स्तर दिख रहा है, ऑलमोस्ट 4.25% की तेजी है आज, क्या सजेस्ट करेंगे सजेदन आप यहाँ पर इनको प्रॉफिट हो रहे हैं, क्या निकल जाए या फिर थोड़ा और होल्ड ऑन करें? देखिए लॉन्ग टर्म अगर देखें तो कहीं पे भी वीकनेस नहीं है काउंटर में, यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए, अराउंड 320 के आसपास इनको ये एक स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए एंड स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। तो होल्ड करने की राय होगी गोवा कार्बन में और अच्छी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है और आज भी 4% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पंजाब से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं अरजीत। अरजीत जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर मैंने मैडम 1100 शेयर लिया इंडस्ट्री के 1040 रुपीज के हिसाब से। कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको यहाँ पर, कब तक बने रह सकते हैं स्टॉक में? मैम टाइम तो काफी हो गया, आपसे 10 ईयर हो गया, मैं अभी सोच रहा हूँ इसमें स्टॉप लॉस ले रहा हूँ क्या इसको अभी काट दें? ओके सचिदानंद, रिलायंस पर ही आपकी राय जानना चाह रहे हैं और आज जब तेजी दिखी थी तो रिलायंस सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर था और इस वक्त करीब 1% के आसपास की तेजी है स्टॉक में, क्या राय देंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ये जानना चाह रहे हैं कि होल्ड करें या निकल जाए?
देखिए डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर है ये पर्टिकुलर स्टॉक। पिछली अगर मूव की बात करें तो 1350 से लेके 1500 तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस एंड एक अच्छी इंपल्स मूव यहाँ पर देखी जा चुकी थी। तो यहाँ पर ओवरऑल प्राइस डेवलपमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ से। इनफैक्ट अगर हम इमिडिएटली कुछ हफ्तों की भी बात करें तो 1580-1575 तक की मूव एक्सटेंड हो सकती है। बट ओवरऑल ब्रॉडर ट्रेंड पे अगर हम देखें तो स्टॉक में पोटेंशियल है अराउंड 1960 तक, यू नो, एक अच्छी पॉजिटिव ट्रेंड ये पर्टिकुलर मेंटेन करने के लिए। तो आई थिंक डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, काउंटर को पेशेंस रखना चाहिए। 1960 तक के टारगेट्स यहाँ पर अवेलेबल है इस पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न के हिसाब से, तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए काउंटर। तो अच्छी तेजी इसमें बनी है, 9 साल के ऊपरी स्तरों के आसपास स्टॉक है और आगे भी तेजी रह सकती है, होल्ड ऑन कीजिए रिलायंस के अंदर। अगले दर्शक है सुभाष मुंबई से। सुभाष जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने? नमस्कार मैम जी, बताइए। रेन इंडस्ट्री का मेरे पास 2000 शेयर है, 129 के भाव से। अच्छा, आपने थोड़ा ऊपर जाके ले लिया, तो कितना टाइम दे सकते हैं इसे आप? 6 महीने दे सकते हैं। इनफैक्ट सुजेतन, अगर आप इसका चार्ट देखें तो पिछले एक साल में काफी चल चुका है ये स्टॉक और ऑलमोस्ट 200-250% का जो गेन इसने दिया है, 36 रुपए से ये 125 के लेवल्स पे पहुंचा। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ऊपरी लेवल्स पे ले लिया, 129 की इनकी खरीद है। तो अगले 6 मंथ्स के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए अगर वीकली चार्ट्स की बात करें तो एक काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पर देखा जा चुका है, बट अगर हम RSI को देखें जो एक ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर ट्रेंड स्ट्रेंथ ये इंडिकेट कर रही है कि जो रीसेंट अप मूव मिली है 100 से लेके 125 तक की, इसमें इतनी कुछ स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली एक डाइवर्जेंस काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पर आ रही है, तो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से कॉशियस होना चाहिए। इनफैक्ट प्राइस भले ऊपर जा रही है बट ओवरऑल वॉल्यूम्स यहाँ पर सपोर्टिव नहीं है, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। इनफैक्ट मेरी सलाह ये होगी कि इस पर्टिकुलर काउंटर से आप बेटर एग्जिट कर ले। ओके, तो ये राय आती हुई रेन इंडस्ट्रीज में। चलिए वक्त है मिड कैप बाजार को यही समेटने का। सजनानंद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम क्वेरीज आंसर करने के लिए।